हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज भी मेरा मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गया है ब्लॉग। और यहाँ पे मैंने अपनी एक कढ़ाई रख दी है, और तो आज बना रही हूँ दाल। तो दाल में कौन सी दाल है तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फिलहाल मेरे एक हाथ से ढक्कन नहीं खुल रहा है, और ये वाली दाल बनी है आज। ये देखिए, तो साबुत मसूर की दाल है, तो इसको मैंने एक सीटी लगाई है, तो जिसको उबाल लिया है। और टाइम हो रहा है 7:30। ये देखिए, 7:30 का टाइम हो चुका है, सुबह का टाइम है। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, तो यहाँ पे मैंने तेल को बॉईल कर दिया है। अब तेल को बॉईल किया है क्योंकि सुबह सुबह वही आधी के लंच के लिए तैयारी करनी होती, तो आज उसके लिए मैंने मसूर की दाल बनाई है, साबुत मलका मसूर। तो उससे पूछा था मैंने कि भाई क्या बनाया जाए आज तेरे लिए, तो वही कि मैं वो कहने लगा कि भाई मुझे तो मसूर की दाल चाहिए आज, वो भी काली वाली। मैं चलो भाई तेरे लिए काली मसूर की दाल। तो फटाफट मैंने सुबह इसको थोड़ी देर के लिए भिगा दिया था, और भिगाने के बाद इसमें एक सीटी लगवाई है। तो फिलहाल मेरा ऑयल होने लगा है, थोड़ा सा इसमें निकलने लगी है हल्की हल्की सी भाप। तो चलो फिलहाल इसको मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी टमाटर और प्याज को कट कर लिया है, तो फिलहाल स्कूल की तैयारी करती हूँ, उसकी लंच की फटाफट तैयारी कर देते हैं हम। तो थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और दिन आज हो गया है आपका ट्यूसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। हाँ, मंडे ट्यूसडे हो गया है आज। तो मैंने अपने फटाफट काम निपटाए हैं, और उसके बाद फिर रेडी होगी तो फटाफट, क्योंकि स्कूल जाना था आदि को, तो उसके लिए फटाफट सब्जी बनाई, झाड़ू। आज सुबह सुबह मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू में लेट लगाती हूँ। आज सुबह सुबह लगा क्योंकि जाना था, तो मैं जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और मैंने अभी मुझे कार्डिगन डालना है, क्योंकि अभी मैंने खाली कुर्ती पहनी हुई है, क्योंकि जाऊंगी तो फिर हवा लगेगी, अभी सर्दी हो रही है काफी ज्यादा। तो गाड़ी से जाते तो चल जाता, लेकिन फिलहाल मैं, अभी मुझे पता नहीं है कि मैं किससे जा रही हूँ। अभी मैं इनको फोन करूंगी कि चलो। वैसे हम दोनों में सुबह से यही बहसबाजी हो रही है आज, कि वो कह रहे हैं कि कल चलेंगे, मैं कह रही हूँ कि आज चलेंगे। तो कभी वो कह देते हैं कि हाँ ठीक है चलेंगे, फिर मना कर दिया कि नहीं कल चलेंगे। तो उस चक्कर में हम दोनों में बहस हो रही है, आज जाना है नहीं जाना है। लेकिन फाइनली मैं जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ, और अभी फोन करूंगी, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे अभी भी मुझे नहीं पता है। और टाइम हो रहा है, सुबह 7:30 बजे निकलने का था। तो अब मतलब इसी बहस में हमारी तो ये बज रहे हैं आपका 9 बजने वाले हैं, ये देखिए। तो इसी बहस में हमारे मतलब 9 बज गए हैं, 7:30 बजे निकलने वाले थे तो 9 बज चुके हैं। अब भी पता नहीं है कि ये जाएंगे नहीं, पर मेरा पक्का है कि मैं जाऊंगी। मेरा फाइनली तय हो गया है कि मुझे जाना है। अब पर्स लेना है तो पर्स मैं उसी के अकॉर्डिंग लूंगी, जब पहले फाइनल मैं कर लेती हूँ किसको जाना है किसका नहीं। फोन करूंगी तो फोन भी यहीं पे रखा हुआ है उनका, तो मुझे उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि फोन यहीं पे छोड़ गए हैं, ये रखा है उनका। तो फाइन, तो मैं जाती हूँ बाहर, उनसे पूछती हूँ कि भाई जाना है या नहीं जाना है, तो उनसे मैं पूछ के आ रही हूँ। उसके बाद पर्स का डिसाइड करूंगी कि मुझे कौन सा पर्स लेना है, कौन सा नहीं लेना है। क्योंकि अगर वो जाएंगे साथ में तो फिर मैं जो मेरा छोटे छोटे हैंडल वाला है उसको ले लूंगी, और नहीं जाएंगे तो मुझे मुझे साइड वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि सामान रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसीलिए फिर मैं साइड वाला ले लेती हूँ, अगर अकेली रहती हूँ तो। और अब देखती हूँ इनसे पूछ के क्या करते हैं ये, क्या नहीं, जाते हैं या नहीं जाते। तो फिलहाल बाहर की साइड चलते हैं पूछने के लिए इनसे। तो फ्रेंड्स, मैं निकल रही हूँ घर से, तो फिलहाल मुझे ये गाड़ी से छोड़ने जा रहे हैं। वैसे मैं बस से ही जाऊंगी, प्लान चेंज हो गया है हमारा, ये छोड़ने जा रहे। जब तो हम दोनों ही जा रहे थे, लेकिन अब कैंसिल हो गया, बीच में इन्होंने मुझे धोखा दे दिया है। और अब मुझे बस लेके आना है, तो वही छोटी छोटी चीज़ें लेके आऊँगी, नहीं तो फिर दोबारा जाऊँगी, तभी इनको लेके जाऊँगी साथ में।
फिलहाल मैं अकेली जा रही हूँ बस से, और ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं बस स्टैंड पे गाड़ी से, तो इनका भी कुछ काम है जो इन्हें करना है, तो ये मुझे हर रास्ते में स्टैंड पे छोड़ देंगे और ये अपना काम करके आ जाएंगे। फिलहाल मैं बस से निकलूंगी, और ये इतना धोखा देते हैं मेरे को बीच में, कभी इनकी सुबह से हो रही है कि कभी जाना है कभी नहीं जाना है, तो सुबह से इन्हें भी बहस थी कि मुझे नहीं जाना, और मुझे भी जिद थी कि मैं आज जरूर जाके रहूंगी, तो ये नहीं जा रहे लेकिन मैं जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आगे रास्ते में आपको कुछ दिखाने का ऐसा मिलेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, और नहीं मिला तो फिर मैं आपसे घर आके सीधे मिलूंगी। तो फिलहाल निकलते हैं, चलो फिर चलते हैं। अभी सुबह का है 9 बजे है सुबह के, 9 का टाइम हो रहा है, और काफ़ी अच्छा मौसम है, देखने में अच्छा लग रहा है। तो मैंने इसीलिए मैंने वो सोचा था कि भाई निकलेंगे, मौसम भी अच्छा है, एक्टिवा से चले जाएंगे, लेकिन इनका वही चेंज हो गया, कुछ इनका काम ऐसा अटक गया तो इनको जाने का कैंसिल ही हो गया है, तो ये तो नहीं जा रहे, मैं ही जाऊँगी। अब तो फिलहाल हम रास्ते में आ चुके हैं, ये पहुंच गई थी मेरठ में, तो मुझे यहाँ पे जाना है कुछ मार्केट, थोड़ी पास में ही पड़ता है, मैं वहाँ से बैठी थी ई रिक्शा में बैठी थी, और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ई रिक्शा ने मुझे छोड़ के, और मैं थोड़ी देर मतलब पैदल चली, क्योंकि मार्केट पास में ही रह जाती है, यहाँ से मैं अपना जो भी शॉपिंग करती हूँ तो पास में ही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पैदल चलूँगी तो थोड़ी सी मेरी वॉकिंग भी हो जाएगी, घूमना फिरना हो जाएगा, और मेरी वीडियो भी बन जाएगी। तो यहाँ मैं मतलब पैदल ही चल रही थी, बाकी भाई चलो धीरे धीरे घूमना सा, क्योंकि सर्दी लग रही थी बैठे बैठे, उस पर हवा भी लग रही थी, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना मैं पैदल ही निकल लूँ यहाँ पे, तो वॉकिंग का भी वो हो जाएगा और मेरा घूमना भी हो जाएगा, और प्लस थोड़ी सी शरीर में फुर्ती भी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने अपनी मार्केट को आपको दिखाया है, तो यहाँ पे ये मार्केट है। हमारे यहाँ पर हो रही है मंदिर में भागवत चल रही है, तो यहाँ पे आदि गया था तो वो इसको रिकॉर्ड करके लेके आया, तो मैंने सोचा भाई चलो मैं आपके साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ भोले और पार्वती इन दोनों की झांकी निकल रही थी, तो मैंने वही सोचा भाई मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, मैं हर चीज़ आपको शेयर करती हूँ, तो बस मैंने ये भी आपके साथ शेयर कर दी है। तो यहाँ पे ये भोले और पार्वती जी की झांकी है, तो उनकी शादी का ये वो था, शादी चल रही है, तो इसी चक्कर में मैंने आपके साथ ये शेयर की है। और ये इनसे एक रुपये एक साड़ी लाला जी की तरफ से आई, राजा रानी भंडार ही भरे गए, यही हमारी आप सौ कंच है। और ये 100 रुपए एक साड़ी और 100 रुपए सोनू भैया जी की तरफ से आए, और 5 बर्तन और 100 रुपए हेमंत भैया जी की तरफ से आए कन्यादान में,
आईओ भजी चली आईओ लियो हर को नाम आमे आमे जे लखन हर गे लखन आए लियो आमे तो कन्या खड़ी है अरे कन्या खड़ी है आमे तो कन्या खड़ी है अरे कन्या दान आमे आमे जे लखन से आ चुकी हूँ और अब आपसे मिल रही हूँ। मैं 7:30 हो चुके हैं रात के और मैं आई थी 4:30 आके लगी और 4:30 से फिर उसके बाद बस ऐसी काम में लगी रही थी इधर उधर। वही आदमी एक दिन के लिए हट जाता है तो काम इतना फैल जाता है क्योंकि मम्मी बाहर के कामों में लगी थी तो किचन में मेरा पूरा काम फैला हुआ था तो बर्तन वगैरह सारे कर लिए थे मम्मी ने भी कर लिए थे पर फिर भी अकेली पड़ जाती है वो तो फिर बाहर का भी काम होता है उनके लिए और अंदर का भी हो गया तो उनको काफी ज्यादा काम हो गया तो किचन में मेरा पूरा सामान फैला पड़ा था बर्तन भी ये भी तो बस उन्हीं में लगी रही। और आके आज मेरे सर में भी दर्द हो रहा था वो सुबह ही गई थी तो उसकी उससे मेरा हवा लगी तो सुबह सर भी दर्द हो गया था और फिर सुबह में लेट निकली थी वही तो इसी चक्कर में थोड़ा सा दिमाग में टेंशन सी भी होगी कि क्या करूं कैसे करूं तो बस ऐसी। और उस ठंड की वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा था दवाई मिली है लेकिन मेरे बंद ही नहीं हुआ है सर दर्द। और उसके बाद मैंने आके सब्जी तो बनाई नहीं थी क्योंकि सुबह बना दी थी सब्जी तो मैंने सुबह बना दे के तब गई थी खाना वगैरह बना के कि वही 9 बजे निकल पाई थी तो थोड़ी सी लेट हो गई थी सुबह ही लेट हो गई थी वैसे तो मतलब इसीलिए मुझे 4:30 बजे के शाम के तो उसके बाद बस ऐसी लगी रही काम में इधर उधर। और मम्मी गई हैं भागवत गीता हो रही है वहाँ पे गई हुई हैं और मैंने कल ये जो वीडियो डाली है भागवत गीता हमारे यहाँ पे जो भागवत गीता हो रही है तो ये वाली वीडियो मेरी जो डली हुई है ये मेरी एक दिन पहले की है क्योंकि आदि गया था तो वो वीडियो बना के लेके आया था शिव जी और पार्वती की जो झांकी निकली थी तो वो वाली वो वीडियो बना के लेके आया। और सर दर्द की वजह से मेरी आंखें बंद हो रही हैं तो भारी पंसा हो रहा है आंखों में। मन नहीं था वीडियो बनाने का क्योंकि मैं कैसे बनाऊं तो फिर मैंने सोचा यार क्योंकि मेरी कल भी वीडियो नहीं डली थी वही सी उसमें कभी कभी होता है ना कि मन नहीं करता वीडियो बनाने का तो वही थोड़ा सा मेरा दिमाग नहीं था बनाने में तो आज भी मेरा ऐसे ही हो रहा था। मैंने सोचा भाई जो बनाया तो वीडियो का एंड तो कर दूँ कुछ तो बात करूँ आपसे तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई है। और कुछ मेरी जो मंदिर में वो भागवत गीता चल रही है तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि भाई कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। तो मैं तो नहीं गई थी जा पाई थी आदि गया था तो वो बना के लेके आया था मेरी ये वाली वीडियो तो फिलहाल मैं किचन में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ और भागवत गीता चल रही है तो मम्मी वहाँ पर है और आदि के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं तो वो कर रहा है पढ़ाई फिलहाल रूम में। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा वीडियो पर बैठ के आपसे थोड़ा सा बात कर लूँ और किचन में ही बैठ गई थी मैं यहीं पर तो मैंने आपसे बात करी है। और तो फ्रेंड्स बस आपसे यही बात करनी थी उनको और फ्रेंड्स कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो गुड नाइट बाय बाय।